Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स से जाति व्यवस्था और ख़ासकर दलित इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके एक बहुत सशक्त पक्ष मानिखेज पक्ष जेंडर के प्रश्न से रूबरू हो रहे हैं। दलित समाज या फिर कहें कि जाति व्यवस्था में दलित पहचान का प्रश्न और जेंडर का प्रश्न दोनों ही असमानता और सामाजिक पदानुक्रम हायरार्की की तरफ, शोषण के वृत्तों की तरफ हमें लेकर जाता है। लेकिन इसे एक आप विडंबना कह सकते हैं, यह त्रासदपूर्ण है कि या तो दलित इतिहास लेखन में मोटे तौर पर कहा जाए तो कमोबेश जेंडर का प्रश्न अनुपस्थित है, दूसरी तरफ जिन इतिहासकारों ने जेंडर पर फोकस कर शोध कार्य किए हैं, इतिहास लिखे हैं, वहाँ दलितों का प्रश्न अनुपस्थित नजर आता है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि इतिहासकारों ने इन दोनों के आपसी संबंध और इस संबंध की जटिलता को लेकर कोई काम ही न किया हो। जाहिर सी बात है कि इतिहासकारों ने काम किया है और इसीलिए हम लोग इतिहास लेखन के अपने लेक्चर में इस विषय से रूबरू हैं। लेकिन मेरे वक्तव्य का मंशा एक जो व्यापक जो पिक्चर हमारे सामने आता है, जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, उस विमर्श के जो मूल आप कह सकते हैं, उसकी जो सामान्य प्रकृति है, वहाँ हम इन दोनों के आपसी अंतःक्रियाओं की बात नहीं पाते हैं। और इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिन इतिहासकारों ने इस विषय पर काम किया है उनके इतिहास से दृष्टि लेते हुए, उनके लेखनी से इनसाइट लेते हुए इस विषय को अलग अलग क्षेत्रीय और अलग विविध आयाम जो इस विषय के हो सकते हैं उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। तो जो शुरू में मैंने प्रस्तावना रखा उसमें हम पाते हैं कि दलित इतिहास बड़े पैमाने पर पुरुष केंद्रित इतिहास ही रहा है। यहाँ दलित महिलाएं इस इतिहास लेखन में अनुपस्थित हैं। और महज देखिए, जब हम दलित इतिहास और जेंडर
की बात कर रहे हैं तो एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं कि यहाँ महज अनुपस्थित दलित महिला के रिकवरी का सवाल नहीं है, उनकी उपस्थिति महज मुद्दा नहीं है। जाहिर सी बात है कि उपस्थिति के अपने की अपनी अहमियत है, उससे नकारा नहीं जा सकता। खासकर हमने वैश्विक स्तर पर भी देखा कि हिस्ट्री को अक्सर हिज स्टोरी के तरह से देखा जाता था, और एक खास समय के बाद ही वहाँ महिलाओं की उपस्थिति की बात की जाने लगी। उसके लिए नारीवादी आंदोलन हुए और उस आंदोलन के एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आप कह सकते हैं, या बौद्धिक विमर्श में जिस तरह से नारीवादियों ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद से इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति, उनकी स्वायत्त पहचान का मुद्दा और उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे सामने आने लगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दलित समुदाय, दलित इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति का मुद्दा भर नहीं है, तो मैं यहाँ इस महज यह मुद्दा नहीं है उस पर मैं अधिक जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि जेंडर का प्रश्न एक अधिक संश्लिष्ट प्रश्न है। यहाँ महज उपस्थिति अनुपस्थिति की बात न होकर किस प्रकार से पुरुषवादी संरचना, पितृसत्तात्मक समाज इतिहास को एक खास तरह से पेश करता रहा है, और उन निमित्तियों में किस तरह से महिलाओं का स्वर नहीं सुनाई पड़ता है, उनकी सब्जेक्टिविटीज़ नहीं दिखती है, किस तरह से जो दावेदारियों के बहुत सूक्ष्म स्तर पर स्त्री की पहचान के ऊपर पितृसत्तात्मक समाज अपना अधिकार जमाता है, शोषण के जो अनेक वृत्त हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ इन सब के साथ जो पुरुष और महिलाओं के आपसी संबंध, इस ताने बाने की जो समझ है, यह जो विज्ञान है, वह महत्वपूर्ण है, वह नज़रिया महत्वपूर्ण है, वह अप्रोच जिसके जरिए आप स्त्री पुरुष के संबंध को व्याख्यायित करने इतिहास में निकल पड़ते हैं, वह अप्रोच और किस तरह से ज्ञान की निमित्तियों में हम कई तरह के शोषण को नेचुरलाइज मान बैठते हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो जब हम जेंडर की बात करते हैं तो महज हम बायोलॉजिकल कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं स्त्री पुरुष की। यहाँ एक एपिस्टेमिक ज्ञान वांग्मय, ज्ञान मीमांसात्मक स्तर पर हस्तक्षेप की बात है, यहाँ नज़रिया की बात है जैसा मैंने पहले कहा, और यहाँ एक स्त्री पुरुष सामाजिक और
कल्चरल कैटेगरी के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनको जिनके बीच के संबंधों को बार बार इस तरह से दोहराया जाता है कि जो स्थापनाएं डोमिनेंट डिस्कोर्स ये पितृसत्तात्मक समाज हमारे सामने रखना चाहता है वही हम प्राकृतिक मान बैठते हैं। वो एक डिफॉल्ट सेटिंग की तरह हम उसको समझने लगते हैं, हम उस पर सवालिया निशान नहीं उठाते। और इस तरह से जो जेंडर डोमिनेंट जेंडर अपने आप को दोहराता जाता है, उस पावर स्ट्रक्चर की बात है, उस दावेदारी की बात है, लेकिन साथ ही साथ इन दावेदारियों के प्रतिरोध की भी बात है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ये दावेदारियां अपना स्वरूप किस तरह से समय के साथ बदलती हैं, उस परिवर्तन की भी बात है। तो इस संकल्पनाओं इन संकल्पनाओं के साथ, इन स्थापनाओं के साथ जो जेंडर के विदुषियों विद्वानों ने हमारे समक्ष पिछले 40-50 साल में रखा है, उसके जरिए हम दलित इतिहास को कैसे देखें, जिन इतिहासकारों ने इन समझ के साथ यह इतिहास लिखा है, उससे क्या कुछ इनसाइट हमें मिलता है, यह आज का हमारा सफ़र होगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि दलित और स्त्री से संबंधित जो सामाजिक इतिहास के आपसी सरोकार क्या रहे हैं भारत में, किस तरह हम दलित इतिहास को जेंडर के द्वारा और जेंडर इतिहास में दलित समुदाय पर फोकस कर बेहतर तरीके से इन दोनों की अंतरक्रियाओं को या फिर अधिक सूक्ष्मता से समाज में हो रहे उत्पीड़न को समझ सकते हैं। जेंडर शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है, जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया। और यहाँ मैं जैसे बता रहा था कि नारीवादी विमर्श महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उससे आगे जो फेमिनिस्ट इंटरवेंशन, उससे आगे जाकर हम जेंडर की बात करते हैं, जहाँ महज स्त्रीवादी नज़रिया या इतिहास में स्त्री के नज़रिए से ही इतिहास को देखने की बात नहीं है। यहाँ स्त्री का देह महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पर समाज दावेदारियाँ करता है, यहाँ मैस्कुलिनिटी और ये जो पुरुष का देह है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम नारीवादी इतिहास लेखन से जेंडर इतिहास की तरफ जाते हैं तो देह के ऊपर जो बनती बिगड़ती निमित्तियां हैं, दावेदारियां हैं, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे हमें सामाजिक इतिहास को देखने का एक नज़रिया मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले चंद दशकों में कुछ इतिहासकार ऐसे हुए और उससे पहले भी जिन्होंने दलित और जेंडर के आपसी सरोकारों के तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया,
और इनमें यदि हम देखें अपने पिछले कुछ जो लेक्चर्स में जिस तरह से हमने चर्चा किया, तो वहाँ भी पाएंगे कि 19वीं सदी के मध्य से जब समाज सुधार आंदोलन हो रहे थे, तो वहाँ भी और दलित चिंतकों में भी दलित स्त्री को लेकर चिंताएं हमारे सामने दिखने लगती है। और इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे विस्तार से। लेकिन यह वह दौर भी रहा जब औपनिवेशिक परिस्थितियों में दलित महिलाओं के प्रश्न को लेकर कुछ जो पुराने सरोकार हैं उनको नए तरह से हम आर्टिकुलेट होते देख रहे हैं। जैसा कि उमा चक्रवर्ती ने अपने एक बहुत प्रचलित आलेख व्हाट एवर हैपेंड टू वैदिक दासीज में लिखा है और हमारा ध्यान आकर्षित किया कि किस तरह से समाजवाद समाज सुधारकों के जो उनकी दृष्टि थी उसमें दरअसल जब दलित या समाज के सबसे निचले पायदान के महिलाओं के स्थिति की सुधार की बात होती है, तो दरअसल समाज सुधारकों का ध्यान उस जाति की महिलाओं के ऊपर कम केंद्रित और उनके जरिए समाज को देखने की तरफ अधिक होता है। अर्थात उस विमर्श में जो पीड़ित महिला का देह मानो उसका देह न होकर वह सामाजिक और ऐतिहासिक सूत्रों कोड से कोडिफाइड देह हमारे सामने आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर सामाजिक आइडेंटिटी या फिर सभ्यता जनित विमर्श का आरोपण जहां विमर्श में जो देह हमारे सामने जो पीड़ित देह हमारे सामने आता है वह उसकी अपनी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं हो मानो, वह एक पैसिव सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के रूप में हो, तो इस पर सवालिया निशान उठाने होंगे उन समाज सुधारकों के विचारों को फिर से बार बार हमें उसका इतिहास लिखना होगा। उन्हें हम जेंडर के जो हमारे सरोकार हैं उनके नज़रिए से उन विचारों को देखना होगा। और यहाँ इतिहास को मुझे लगता है कि अपने जो पड़ोसी डिसिप्लिन्स हैं चाहे
वह समाज विज्ञान हो या पॉलिटिकल थियोरी हो, सोशल पॉलिटिकल थियोरी हो, दलित स्टडीज़ हो, इनसे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। और जब हम इतिहास के संकीर्ण अनुशासनात्मक घेरे से बाहर निकल कर देखें तो जैसे सोशियोलॉजी में शर्मिला रेगे का बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, दुर्भाग्यवश कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी अपूर्णनीय क्षति दलित विमर्श ही नहीं अपितु भारतीय समाज विज्ञान को झेलना पड़ेगा। या फिर अनुपमा राव की किताब केरल के संदर्भ में बी गीता के शोध, जी अरुणिमा का महत्वपूर्ण काम, उनकी किताब देयर कम्स ए पापा, जहां वे नायर किनशिप को केंद्र में रखकर किस तरह से मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणाएं बदल रही हैं, इस समाज के अंतःसंबंध, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को वे देख रही हैं। तो जेंडर और जाति प्रथा के बीच के सरोकार, जेंडर और दलित के सरोकार के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। या फिर हाल में अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक चारु गुप्ता इतिहासकार हैं, इनकी लिखी जेंडर ऑफ द कास्ट, जहां वे जो बात हम कह रहे हैं कि किस तरह से जेंडर और कास्ट दोनों के सरोकार कितने मिलते हैं एक दूसरे से, इस पर चर्चा की। और एक बहुत विशाल आर्काइवल साक्ष्यों को लेकर, जिसमें हिंदी के का प्रिंट साहित्य है, जिसमें मैनुअल्स हैं, मेडिकल मैनुअल्स हैं, जहां समाज सुधारकों के की लेखनी है, और ये सुधारवादी साहित्य जो पुस्तिकाएं और आलेख, भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में निकलने वाले आलेख, या फिर कास्ट एसोसिएशंस के द्वारा जो अपने समर्थकों के बीच शिक्षाप्रद साहित्य, नैतिक साहित्य का प्रचार प्रसार, उनके जर्नल्स, इन सब को लेकर वे चारुगुप्ता 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक के बड़े फलक को अपने शोध का केंद्र बनाती हैं। और किस तरह से दलित स्त्रियों की छवियां इस
प्रिंट संस्कृति में गढ़ी जा रही है और ये छवियां किस तरह से बदलती रही, किस तरह की निमित्तियां, स्टीरियोटाइप्स दलित महिलाओं के देह को अपना उपनिवेश बनाती रही, उन पर आरोपित होती रही और इन स्टीरियोटाइप्स ने कैसे दलित महिलाओं के बारे में हमारी खास तरह की समझ इस प्रिंट जगत में बनाई, इस बाबत इनका काम है जो जरूर पढ़ा जाना चाहिए। या फिर दूसरी तरफ देखें तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे, जब ई वे रामास्वामी नायकर पेरियार के इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ उनके और द्रविड़ कजगम आंदोलन में किस तरह के जेंडर के सवाल उभर कर आते हैं, उस इतिहास को एस आनंदी ने बहुत सशक्त रूप से हमारे सामने रखा है। या फिर सावित्रीबाई फुले को लेकर शोध, तो ये एक फलक है इतिहास लेखन का जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिनसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये एक विशाल फलक है, इसमें क्षेत्रीय विविधताएं हैं और इसमें मानीखेज हस्तक्षेप के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान साक्ष्यों के ऊपर केंद्रित करें। इतिहास लेखन, इतिहास में साक्ष्य की अहम भूमिका होती है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि हम अपना ध्यान साक्ष्यों के ऊपर केंद्रित करें तो मेरा मतलब यह है कि हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों की जो एक परंपरागत समझ है उस कटघरे से बाहर निकलना होगा। और पिछले 6-7 दशकों में जिस प्रकार आर्काइव की एक नई समझ बनी है, उस नई समझ के जरिए हमें नए स्रोत ढूंढने होंगे। यहाँ जब मैं आर्काइव की बात कर रहा हूँ और आर्काइव के नए समझ की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरा उद्देश्य आपका ध्यान महज औपनिवेशिक आर्काइव, जो सरकारी दस्तावेजों का रिपोजिटरी होता है, उसकी अहमियत की तरफ तो ध्यान दिलाना है ही। इतिहास में आप औपनिवेशिक आर्काइव के बगैर उसको उससे अनजान होकर, अनभिज्ञ होकर बहुत आगे सफर तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके संकीर्ण दायरे से बाहर निकलना होगा। और यहाँ महज सरकारी फाइल नहीं, समाज की में जो ये अलग अलग स्टीरियोटाइप्स या आप कह सकते हैं मिथ मेकिंग जो हो रहे हैं, उनको नए तरीके से व्याख्यायित करना होगा, उनको अपने अप्रोच, अपने हिस्ट्री राइटिंग के फ्रेम में लाना होगा। और इसलिए जब चारू गुप्ता प्रिंट संस्कृति और इसमें सर्कुलेट हो रहे इन स्टीरियोटाइप्स की बात करती हैं, इन कॉन्स्ट्रक्ट्स की बात करती हैं,
जिनके जरिए दलित महिलाओं की छवियां सर्कुलेट हो रही हैं, तो वहाँ तथ्य परख साक्ष्य की बात नहीं है महज, वहाँ छवियों की बात है। वहाँ जिसे हम कहते हैं वेरीफाइबल ट्रुथ या ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो महज मसला नहीं है। वहाँ है कि किस तरह से डोमिनेंट डिस्कोर्स खड़ा किया जाता है, और यह जो प्रभुत्व का विमर्श है जिसमें छवियां गढ़ी जाती हैं, आरोपित की जाती हैं, यह किस तरह से सवर्ण और पुरुषवादी वर्चस्व की भी विमर्श है। तो यहां इस विमर्श को चुनौती देने के लिए उसके भीतर से जो जेंडर हिस्ट्री लिखने के लिए, जेंडर सेंसिटिव हिस्ट्री लिखने के लिए, आपको अलग तरह के, जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी, अपनाने होंगे। यहाँ मैं यदि वाल्टर बेंजामिन के फ्रेज का सहारा लूँ, तो यहाँ आपको इस आर्काइव को रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन, जो चीज़ कहा नहीं गया है उसे इंटरप्रेट करना होगा, जो चीज़ जानबूझकर छुपाया गया है उस एब्सेंसेस को, उन साइलेंसेस को आपको पढ़ना होगा, और उनके जरिए आपको दलित स्त्री विमर्श या फिर उनके सब्जेक्टिविटीज़, उनके देह पर होती हुई दावेदारियों की बात करनी होगी, उस राजनीति और उसके दांवपेच को इतिहास के पन्नों में दर्ज करना होगा, व्याख्यायित विश्लेषित करना होगा। तो देखिए, यहाँ जैसा कि मैंने चारुगुप्ता के कार्य का हवाला देते हुए मैं कहूँ, तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ये जो छवियां गढ़ी जा रही हैं दलित महिलाओं की, यह कोई एक किसी एक सपाट धरातल पर नहीं है, इसके भी विविध आयाम हैं। सवर्ण समाज सुधारकों के विमर्श में दलित महिलाओं का देह एक पीड़िता के देह के रूप में हमारे सामने आता है, जैसा कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, और इस पीड़िता के देह को इसलिए विमर्श में लाया जा रहा है क्योंकि उद्देश्य उस पीड़िता के देह के पीड़ा को हरना नहीं है, उद्देश्य है कि समाज, व्यापक समाज का सुधार किया जाए, और वहाँ वह महज एक सांकेतिक रूप से विमर्श में लाई जाती है। दूसरी तरफ इसी पीड़िता के देह को महिलाओं के प्रति उन्मुख जो साहित्य है उसमें अलग तरह से पेश किया जाता है, जहाँ दरअसल सवर्ण और मध्यवर्गीय घर की महिलाओं के लिए क्या आदर्श आचरण हो, उनकी व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा हो, उनका उठना बैठना, बोलने का लहजा कैसा हो, यह बताने के लिए, इस संबंध में शिक्षा देने के लिए एक विपरीत वृत्त खड़ा किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भले घर की महिलाएं उस तरह की आचरण नहीं करती जिस तरह की आचरण
निम्न जाति की महिलाएं करती हैं। और इस विपरीत ध्रुवों को बनाने के पीछे उद्देश्य, जहां एक तरफ सवर्ण महिलाओं को उनके डोमेस्टिक स्फेयर में खास तरह से बांधना, सीमित करना होता है, उनके जो व्यवहार आचरण किस तरह से हो उसकी वकालत की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें दलित महिलाओं के बरक्स खड़ा कर दिया जाता है तो यहाँ दलित महिलाओं के आचरण, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके देह को खास तरह से परिभाषित भी कर दिया जाता है। अर्थात एक इमेज का इम्पोजिशन हो जाता है और उसी इमेज के जरिए समाज यह मानने लगता है कि निम्न वर्ग की महिलाएं झगड़ालू होती हैं, अधिक जोर से बोलती हैं, उनमें कोमलता का अभाव होता है आदि आदि। तो ये जो एक मोनोलिथिक कॉन्स्ट्रक्ट का इम्पोजिशन है, यहाँ दलित महिलाओं को एक अन्य के रूप में, ऑदर के रूप में उनका सर्कुलेशन होने लगता है और वही फिर छवियां नेचुरलाइज्ड हो जाती हैं, मानो वही उनकी पहचान बना दी गई हो। तो चारुगुप्ता इस व्यापक आर्काइव के जरिए बताती हैं कि किस तरह से ये इन छवियों का जो विविध आयाम मैंने कहा, तो वहाँ कुल्टा की भी छवि है, पीड़िता की भी छवि है, एक पूरा स्पेक्ट्रम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह जो स्पेक्ट्रम है, यह ये छवियां कौन दे रहा है? यह जाहिर सी बात है पितृसत्तात्मक सवर्ण समाज के द्वारा आरोपित छवियां हैं, इसीलिए इन छवियों को डिकंस्ट्रक्ट करने की, इनको इनके प्रति आलोचनात्मक रुख अख्तियार करते हुए इनके इनको विश्लेषित करने की जरूरत है। और इन छवियों का एक उद्देश्य तो जाहिर सी बात है दलित वोमेन की जो अपनी सब्जेक्टिविटीज हैं, उनके जो अपने वॉइसेज हैं, उनको म्यूट करना, उनको साइलेंट करना भी है। और इसीलिए देखिए कि 1914 में जब अस्पृश्य समाज से ही हीरा अपनी कविता लिखते हैं और 1914 में सितंबर में हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में, उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में वह कविता प्रकाशित होती है। हीरा अस्पृश्य जाति के हैं लेकिन पुरुष हैं, यहाँ खास तौर पर इस विमर्श में, जेंडर के विमर्श में इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है। तो उनकी कविता एक अछूत की शिकायत, इसकी चर्चा साहित्यिक हलकों में तुरंत ही होती है। लेकिन जो बात मैं यहाँ
रेखांकित करना चाहता हूँ जो चारू गुप्ता हमें बताती हैं कि उसके ठीक एक साल बाद मोहिनी नाम की महिला, अस्पृश्य जाति से ही संबंधित महिला, जब कहानी लिखती है, कहानी का शीर्षक है छोट के चोर, जो कन्या मनोरंजन नामक पत्रिका में अगस्त 1915 में छपती है, तो इसकी चर्चा नहीं होती। या चर्चा होती है तो बहुत धीमे स्वर में चर्चा होती है, कम चर्चा होती है। तो क्यों पुरुष के कविता की चर्चा हो रही है, जो जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, अस्पृश्य जाति से लिखी गई पहली कविता हिंदी की मानी जाती है, या हीरा की कविता एक अछूत की शिकायत, लेकिन जब पहली कहानी एक महिला लिखती है अस्पृश्य जाति की ही, तो उसे नज़रअंदाज या उस पर उतनी चर्चा नहीं होती। यह पुरुष और महिला के बीच के अंतर की बात जो जेंडर विमर्श हमें सिखाता है उसकी तरफ ले जाता है। यह जो साइलेंसिंग या म्यूट करने की बात जिसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं उसकी तरफ ले जाता है। तो चारू गुप्ता या फिर जो समाजशास्त्रियों की बात हमने की, शर्मिला रेगे, अनुपमा राव आदि की बात, वहाँ दलित महिलाओं का इतिहास दैनिक जीवन के धरातल पर लिखा जा रहा है, और दैनिक जीवन में किस तरह से महिलाओं को खास तरीके के कॉन्स्ट्रक्ट का सामना करना पड़ता है उसकी बात है। और जब हम दैनिक जीवन की बात करते हैं तो हमें यहाँ चारू गुप्ता यह भी ताकीद कराती चलती हैं कि सेंसस के आंकड़े हमें बताते हैं कि कुछ समुदाय, कुछ दलित समुदाय की महिलाएं, उनका जो श्रमिक वर्ग में उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक रहा। तो हम इन दैनिक जीवन के श्रमिक महिलाओं की बात करें, दलित महिलाओं की बात करें, तो दलित श्रम और दलित महिलाओं के श्रम का मसला हमारे सामने खुलता चला जाता है। तो देखिए कि जो सोशल हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, दलित जेंडर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसका एक अहम तार लेबर हिस्ट्री के साथ, और यहाँ चारू गुप्ता खास तौर पर दाई जो प्रसव पीड़ा के समय प्रसूति में जो पारंपरिक रूप से मदद करने वाली और उस समय जो आप कह सकते हैं हेल्थ वर्कर, प्राइमरी हेल्थ वर्कर, जो बच्चे के पैदा होने के समय, जन्म के समय वहाँ रहती हैं,
तो उन दाई की किस तरह से छवियां निमित्त हो रही हैं, वह कैसे एक साथ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं सामाजिक रूप से, उन्हें अनेक इंटीमेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वे महिलाओं के हिस्से घर के उस अंदरूनी हिस्से तक उनकी पहुंच रहती है, तो एक साथ साथ उन्हें जो वोमेन बॉडी, महिलाओं के देह की इंटीमेट जानकारियां होती हैं, इस कारण से इन दाइयों को सामाजिक जानकारी, हेल्थ रिलेटेड जानकारी के एक अमूल्य धरोहर रिपोजिटरी के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन साथ साथ इन्हें संशय और भय की दृष्टि से भी, इनका तिरस्कार भी किया जा रहा था। जिसके कारण ये अनेक किस्म के हिंसा को लेकर बहुत वल्नरेबल बॉडी के तरह से हमारे सामने आती हैं। जब अंग्रेज़ों के आने के साथ साथ भारत में पाश्चात्य मेडिकल साइंस का इंट्रोडक्शन होता है, वैसे तो होम्योपैथी भी पाश्चात्य रहा, लेकिन यहाँ मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ और उस इंटरवेंशन की बात कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से इन दाइयों की वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें ये जो आधुनिक डॉक्टर्स और मेडिकल साइंसेस के आक्रमण का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ इन दाइयों की जानकारियों को पिछड़ा अंधविश्वास युक्त आदि माना जाने लगा। लेकिन साथ साथ चारू गुप्ता ये भी बताती हैं कि किस तरह से इन दाइयों ने भी प्रतिरोध किया और अपने हक को किस तरह से निगोशिएट किया। इन्हें बहुत कम मेहनताना दिया जाता था, लेकिन उस मेहनताना को लेकर, उसको बढ़ाने को लेकर इन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष में वे सफल भी हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत के जैसे विशाल देश में, जहां नगरीकरण बहुत कम था, जहां स्त्रियों में साक्षरता दर बहुत कम था, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नगण्य सा था, वहाँ एक समाज का बड़ा हिस्सा जो महानगरों में या बड़े नगरों में नहीं था, जो कस्बे और गांव में था, हेल्थ सेंटर से दूर था, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से दूर था, वह बड़ा हिस्सा इन्हीं दाइयों पर निर्भर था। तो और इस कारण से भी ये दाई अपने श्रम, अपने वेतन को लेकर कुछ हद तक निगोशिएट करने में सफल रही, पर जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ साथ इनकी अहमियत गौन होती जाए होती गई। तो जब हम दलित और जेंडर के इतिहास के साथ साथ श्रमिक इतिहास के तालमेल को और इनके बीच के संबंध की बात, जो दाई के कैटेगरी के रूप में हम लोग अभी कर रहे थे, इसके साथ साथ हमारा ध्यान गिरमिटिया माइग्रेशन की तरफ भी जाता है, और वह इस इतिहास का एक दूसरा फलक है, क्योंकि जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि भारत से फिजी,
मॉरिशस, फ्रेंच गायना, डच गायना आदि कैरेबियंस में होने वाले प्रवसन में दलित समुदाय से आने वाले इमिग्रेंट्स की संख्या, उनका प्रतिशत बहुत अधिक था। ब्रिजलाल ने ये जो अप्रवासी भारतीय वहाँ गए, उनके जहाज़ के टिकट के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ इस बात पर बहुत जोर दिया कि अधिकांश प्रतिशत गैर ब्राह्मण और निचली जातियों से आने वाले अप्रवासियों का था। और यहाँ खासकर जो स्त्री अप्रवासी मजदूर, महिला गिरमिटिया आप कह सकते हैं, उनको लेकर इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें मैरिना कार्टर या गाय गुइथेरा बहादुर द कुली वोमेन उन्होंने लिखा। मैरिना कार्टर का महत्वपूर्ण काम है इस बाबत। और इन दोनों ही, मैं यहाँ बस दो उदाहरण दे रहा हूँ, इन दोनों ही इतिहासकारों ने, इस इतिहास ने इस बात को लेकर हमारी समझ बढ़ाई है कि ये जो गिरमिटिया माइग्रेशन की बात है, यहाँ लंबे अरसे तक देखिए कि विमर्श दो ध्रुवों में विभक्त था। एक पक्ष यह मानता रहा कि यह माइग्रेशन दरअसल बलात् माइग्रेशन था, यह पुराना दास प्रथा का ही संवर्धित नया रूप था, क्योंकि 19वीं सदी के तीसरे दशक में दास प्रथा को असंवैधानिक, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। तो उसी प्रथा ने श्रमिक उत्पीड़न का एक नया रूप लिया, और जो इन शुगर प्लांटेशंस में जाने वाला माइग्रेशन, होने वाला माइग्रेशन, या असम के टी प्लांटेशन में होने वाला माइग्रेशन था, वह दरअसल उत्पीड़न का ही एक नया रूप था। दूसरी तरफ इतिहासकारों का वह वर्ग है जो यह कहता है कि इस माइग्रेशन में कई प्रकार के स्वेच्छा शामिल थे, अर्थात जो मजदूर जा रहे थे वे अपनी स्वेच्छा से जा रहे थे, और इस माइग्रेशन ने उन्हें उनके स्थानीय सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति का एक मार्ग मुहैया कराया। अर्थात जो लोकल कास्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सप्लॉयटेटिव फॉर्म्स थे, उनसे यह एस्केप का एक माध्यम था। खैर, इस विवाद को हमने पहले दूसरे लेक्चर में देखा जब हम गिरमिटिया माइग्रेशन की बात कर रहे थे। यहाँ गौरतलब यह है आज के इस लेक्चर में कि इस दो विपरीत ध्रुवों के आगे जाकर, इस बाइनरी डिस्कोर्स से आगे जाकर, गायथुरा बहादुर या मार्टिना कार्टर, ये जो माइग्रेंट इमिग्रेंट महिलाएं हैं, उनकी सब्जेक्टिविटीज, उनका नए
समाज में, प्लांटेशन इकोनॉमी में उनका किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, उनकी ज़िंदगी और उनके जद्दोजहद, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। किस तरह वे एक उत्पीड़न के माहौल से निकलते हुए, अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए एक सशक्त छवि के रूप में अपनी सब्जेक्टिविटीज़ के साथ हमारे सामने आती हैं, यह इतिहास हमें दिखाता है, जिसकी चर्चा मैं, जिसकी तरफ इशारा मैं यह कर रहा हूँ। दलित जेंडर्ड हिस्ट्री का एक और पक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बहुत सशक्त पक्ष है और जिस पर बात कर मैं यहाँ अपने लेक्चर को विराम दूंगा, और यह मुद्दा है दलित वीरांगनाओं का, चारू गुप्ता और बद्री नारायण तिवारी। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, खासकर 1857 से जुड़ी हुई दलित वीरांगनाओं का, जिसमें झलकारी बाई सबसे अहम है, उनके ऊपर अपना शोध कार्य केंद्रित किया और इन दोनों ही इतिहासकारों ने दिखाया है कि किस तरह से इस दलित वीरांगना की छवि पिछले 2-3 दशकों में दलित राजनीति, दलित पहचान की राजनीति में एक तरह से ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमारे सामने आती हैं और जिसके सकारात्मक पहलू हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दलित समुदाय के इतिहास को जब हम जेंडर के सवाल के साथ जोड़ कर देखते हैं तो सामाजिकता, सामाजिक इतिहास के अनेक नए पहलू हमारे सामने खुलते जाते हैं, नए तरह के आर्काइव, नए तरह के साक्ष्यों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, नए किस्म के सवाल हमारे जहन में उठते हैं और पहचान की राजनीति हो या सामाजिक इतिहास की संश्लिष्टताएं, दोनों इस इतिहास लेखन से बेहतर होता जाता है। शुक्रिया।